एवरीवन, माय नेम इज सुमन और आपका प्लेस ऑफ अनिमेटेड नॉलेज चैनल में बहुत स्वागत है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जिसकी हेडिंग है सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या दूसरे शब्द में बोला जाए एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस। ऐसे कौन से सेवन सीज हैं मेरे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, और या कुछ मैं बोलूँ तो एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम सात सीज, सेवन सीज हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, या एसेंशियल्स हैं बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस की, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करेक्टरनेस, सेकंड क्लैरिटी, थर्ड कंसाइजनेस, फोर्थ कंप्लीटनेस, फिफ्थ कंसिडरेशन, सिक्स्थ कन्विंसिंग, एंड सेवन्थ एंड लास्ट कर्टेसी। ठीक है, तो आइए हम धीरे धीरे करके हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है करेक्टरनेस। करेक्टनेस, तो करेक्टनेस में हमारे जो है सेवन सीज की पहली इसमें क्या जाता है कि करेक्टनेस इन राइटिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग में आप फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी राइटिंग में करेक्टनेस होती है, आपको हेल्प करती है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। अब करेक्टनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यूज़ ऑफ राइट लैंग्वेज, राइट लैंग्वेज का यूज़ करना, ग्रामर का करेक्ट यूज़ करना, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन करेक्ट यूज़ करना, एज वेल एज करेक्ट फैक्ट्स, तथ्य सही लिखना और फिगर्स, जो भी आप लिखते हो वो हमसे करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, करेक्टनेस का यहाँ पर मतलब है इंग्लिश लेवल पे या ग्रामेटिकल लेवल पे, ग्रामेटिकल एज वेल एज टाइपोग्राफिकल कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, सब कुछ राइट होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं, अगर ये सब, अगर ये राइट लैंग्वेज में, राइट करेक्ट यूज़ में, ग्रामर में आपने नहीं यूज़ है, तो इससे क्या होता है कि एन इनकरेक्ट लेटर नॉट ओनली रिफ्लेक्ट इन एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस आउट बट ऑल्सो हैज अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द ऑफिसर हु सेंड्स। ठीक है, तो एक इन करेक्ट लेटर, जो लेटर जो है ख़राब होता है, ठीक है, वो सिर्फ इनएफिशिएंसी, उस बिजनेस की इनएफिशिएंसी को नहीं रिफ्लेक्ट करता, बट ये भी डैमेजिंग इफेक्ट होता है जो वो ऑफिसर साइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने एक, फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्लॉय है और आपके एक एग्जीक्यूटिव, ठीक है, आपने एज ए एम्प्लॉय उनके नीचे वाली पोस्ट के लिए, एज ए एम्प्लॉय शॉर्ट मतलब जूनियर फॉर्म में, आपने एक कुछ ड्राफ्ट के फॉर्म में कुछ प्रिपेयर किया, फिर आप आखिर उस ड्राफ्ट के फॉर्म में प्रिपेयर करने के बाद फाइनल अप्रूवल लेने के लिए अपने बॉस के पास गए। ठीक है, फाइनल बॉस के पास गए अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है, उन्होंने साइन कर दिया, बट उन्होंने ठीक से देखे नहीं किया होगा, तो अब उसके बाद क्या हो सकता है, अगर ठीक से देखे नहीं किया और बाद में गलती निकली, तो एक तरह से डैमेजिंग इफेक्ट हो जाता है इस ऑफिसर ने जिसने साइन किया। ओके, इस तरीके से ये डैमेजिंग इफेक्ट हो सकता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है क्लैरिटी। अब क्लैरिटी से हम क्या बोलते हैं कि बाय क्लैरिटी इट मीन दिस लेटर शुड नॉट अनक्लियर और ओपन टू इंटरप्रिटेशन इन टू डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, अब क्लैरिटी से मेरा क्या मतलब है कि जब हम सेवन सीज अब कम्युनिकेशन की फॉलो कर रहे हैं, तो एक चीज़ हमें माइंड में जरूर रखनी है, जो मैं लेटर लिख रही हूँ, कोई भी रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में लिख रही हूँ, ठीक है, कि वो जो है अनक्लियर नहीं होना चाहिए, या इंटरप्रिटेशन मतलब कि दो डिफरेंट सेंसेज में है, बंदों को अंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, द रिसीवर ऑफ द लेटर शुड इमीडिएटली अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर हैज़ टू कन्वे इन द लेटर। ठीक है, अब जो बंदा, ठीक है, मैं तो हो गया सेंडर जो रिटर्न कम्युनिकेशन फॉर्म में उस लेटर को लिख रहा है, ठीक है, अब वो रिसीवर, जो रिसीवर अपने सेंडर के थ्रू एक मैसेज या लेटर रिसीव कर रहा है, वो इमीडिएटली एकदम समझना चाहिए कि राइटर जो है लेटर में आखिर क्या मेन चीज़ क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। It is important that the letter is properly punctuated, sequence number well organized, sentence pattern well constructed, etc., so as to give full information to the reader and leave no space, scope for guesswork. ठीक है, इसके बाद ये भी important है कि letter जो है आपका properly punctuated होना चाहिए। ठीक है, ढंग से punctuation signs जितने भी है, punctuation signs साइंस रूल्स है पूरे फॉलो अप होना चाहिए। स्पीकर्स ऑफ नंबर वेल ऑर्गेनाइज, जितने भी आपने सपोज अपने लेटर में नंबर के थ्रू कोई चीज़ को समझाने की कोशिश की है, वो भी सीक्वेंस होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज, अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जो पैटर्न का सेंटेंस पैटर्न है वो भी अच्छे से कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, मतलब वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपने रीडर को फुल इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है, ताकि कोई भी एक लीव, कोई भी स्कोप ना टूटे गैस वर्क के, मतलब कि बंदों को एक ही बारे में पढ़ के उस लेटर को समझ आना चाहिए कि आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, कोई भी दिमाग में कोई क्वेश्चन ना छूटे। इन शॉर्ट एप्रोप्रिएट वर्ड शुड बी यूज टू कन्वे आइडियाज और थॉट्स। अगर मैं कुछ सिंपल शब्द में बोलूँ तो एप्रोप्रिएट वर्ड्स, राइट वर्ड्स यूज होने चाहिए ताकि आप अपने आइडियाज और थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, थर्ड कंसाइजनेस। अब कंसाइजनेस मेरा वाला थर्ड पॉइंट आ गया।
every business letter should be concise and to the point, but at the same time nothing should be left out. ठीक है, अब कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है कि आपका जो है लेटर ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है, एट टू द पॉइंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट कुछ चल रहा है, आपको लंबा चौड़ी बातें नहीं करनी, ये नहीं करके आप जो मेन पॉइंट लिखना चाहते वो आपने लिखा नहीं और फालतू फालतू बातें लिख दी, तो इसका मतलब है कंसाइजनेस होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम कि आपको क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ कंसाइज है छोटा रखना है तो मेन बातें भी डिलीट कर दो, ऐसे बिल्कुल। इट अंडरलाइंस एंड हाईलाइट्स द मेन मैसेज, मेन मैसेज जो है अंडरलाइन करता है और हाईलाइट करता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब ऑन द अदर हैंड अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है कि कुछ शब्दों में, कुछ कम शब्दों में आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो है सेम शब्दों की रेपिटेटिव यूज ना करें, ठीक है, ताकि एक अर्डनेटनेस और हारमोनी अचीव कर सकें। इट प्रोवाइड शॉर्ट एंड एफिशिएंट मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स टू द ऑडियंस। अब कंसाइजनेस का ये थर्ड पॉइंट अब अगर आप फॉलो करते हो तो आपके जो ऑडियंस है, सॉरी जो रिसीवर है, जो आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है, उसके पास एक ये बोल लो कि एक शॉर्ट वर्ड में सेंसर मैसेज पहुंच जाता है, ठीक है। फोर्थ, कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस से मेरा मतलब है कि लेटर शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। अब क्या होना चाहिए कि लेटर जो है आपको खुद समझ होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, एज वेल एज जो है सारे सारे तरीकों से पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसमें सारे तरीके से कंप्लीट होने का मेरा मतलब है कि जो बंदा जो पढ़ रहा है उसको कोई भी दिमाग में क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन ना उठे, कि कोई क्वेश्चन ना उठे कि इसके अकॉर्डिंग जो हमने लिखा हुआ है। सेंडर ऑफ द मैसेज मस्ट टेकन इनटू कंसीडरेशन, मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन द सेवन रिसीवर माइंडसेट एंड कन्वे द मैसेज अकॉर्डिंगली, ठीक है। जब कंप्लीटनेस से अब एक पॉइंट जो भी याद रखना है कि जब भी आपको जब सेंडर मैसेज को कन्वे कर रहा है उसको रिसीवर का जिस उसको पहुँचा रहा है माइंडसेट उसका माइंड किस तरीके का है कि जिसको अज्यूम करने का, उसको भी कंसिडरेशन में लिखना चाहिए और उसी के साथ उसी के अकॉर्डिंग ही मैसेज को कन्वे करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपकी रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करता है एज वेल एज एनहांस करता है, ठीक है। फिफ्थ, कंसिडरेशन। इट मीन्स एम्पथाइजिंग। कंसिडरेशन में क्या है कि आपको जब आप कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं किसी रिसीवर को, तो आपने मैसेज को लिखने से पहले अपने उसकी जगह खुद को डाल के लिखना है, ठीक है। अब यहाँ का मतलब क्या है कि आपको उसको व्यू पॉइंट देखना है, बैकग्राउंड, माइंडसेट, एजुकेशन लेवल, ठीक है। इंश्योर डेट की सेल्फ ऑडियंस जिस पर्सन को आप लिख रहे हैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपने मेंटेन करनी है, इस तरीके से वर्ड यूज करें कि वो हार्मफुल भी ना हो, ठीक है, उसके ओमिशन के अगेंस्ट ना हो, इमोशन के बीच। कन्विंसिंग। द लेटर शुड कन्विंस द रीडर दैट द फैक्ट्स स्टेटेड देयरिन आर करेक्ट, ठीक है। लेटर जो है मतलब जो आप मेन चीज़ कन्विंस करना चाह रहे हो वो बंदा लेटर पढ़ के एकदम से कन्विंस हो जाए और इतना मजबूर हो जाए, या मतलब जो आप एक्शन चाहते हो वो लेने के लिए कन्विंस है, मतलब वो चक्के जो आप लेटर में कन्विंस करना चाह रहे हो वो एक्शन लेने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कर्टेसी, ठीक है। जो टोन आप यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस लेटर में पोलाइट होने चाहिए और एज वेल एज जितने भी पॉसिबल हो फ्रेंडली, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि अगर आप कर्टेसी में अपने विनम्रता के साथ पोलाइटली एज वेल एज फ्रेंडली टोन में बात करते हो तो उससे क्या होता है कि आप जो है उसकी लॉयल्टीज विन कर लोगे, कॉपरेशन विन कर लोगे, एज वेल एज कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर आपको कोई उसके साथ कोई प्रपोजल भी रिजेक्ट करना है तो इस तरीके से आपको राइट लैंग्वेज का यूज करना है कि वो जो बंदा है ऑफेंडेड या अनॉयड या इंसल्टेड फील ना करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।